हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट 18 है यार, जिसमें हम करने वाले हैं पीसीएच के बारे में क्वेश्चंस जो डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक से है। तो शुरुआत करते हैं हम सभी क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन इज अ ट्रू फिश। ट्रू फिश कौन सी है इसमें? तो अगर हम वेल की बात करें, ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए वेल, ऑप्शन नंबर बी कटल फिश, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर फिश, ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग फिश। तो अगर हम बात करें ना, तो ऑप्शन नंबर ए, देखो वेल की बात करें या कटल फिश की या सिल्वर फिश की, तो ये सभी कोई भी इसमें से फिश नहीं है। वेल क्या है? मैमल है, जबकि सिल्वर फिश क्या है? आर्थ्रोपोडा में आती है, या उसमें कहें इंसेक्टा में। और कटल फिश क्या है? मोलस्कन में है, ठीक है, सिफेलोपोडा। तो बचता है ऑप्शन नंबर डी फ्लाइंग फिश। तो फ्लाइंग फिश को क्या कहते हैं? एक्जोसीटस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्लाइंग फिश को? एक्जोसीटस कहते हैं। और फ्लाइंग फिश किस में आती है? ये ट्रू फिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर क्या होता है? तो देखो, जो फिश होती है ना, ऑस्टिकथीज जो होती हैं, ऑस्टिकथीज फिश का क्या मतलब हुआ? बोनी फिशेज। जो बोनी फिशेज होती हैं, उन बोनी फिशेज में एयर ब्लैडर पाया जाता है, और उसका काम होता है, हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन होता है वो, ठीक है। क्या होता है? हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन होता है। उसके बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि मूवमेंट में भी एयर ब्लैडर हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में भी यह हेल्प करता है एयर ब्लैडर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेक्यूलियरिटी ऑफ फिश हर्ट इज दैट इज हैज। दो पूछ रहा है कि जो फिश का हर्ट है उसकी खासियत क्या है। पेक्यूलिटी ऑफ फिश हर्ट इज दैट इज हैज, इसकी खास बात क्या है? तो इसकी खास बात यह है कि इसमें सभी वीनस ब्लड होते हैं, मतलब जो वेंस में ब्लड जाता है ना, ब्लड जो वेंस में जाता है, वो सभी ब्लड इसमें आता है, ठीक है, वेंस का ब्लड ही आता है इसमें। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज एनिमल इज नॉट ए फिश। इसमें से कौन सा फिश नहीं है? तो देखो, फिश कौन सा नहीं है? डॉग फिश, सिल्वर फिश, कैट फिश और लंग फिश। तो इसमें से कौन नहीं है? सिल्वर, कौन सी फिश नहीं है? तो जो सिल्वर फिश है वो क्या है? आर्थ्रोपोडा है। तो उसको छोड़ के बाकी सब डॉग फिश, कैट फिश और लंग फिश, ये सभी क्या हैं? फिश हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द बेस्ट एक्वेरियम इन इंडिया इज लोकेटेड इन। बेस्ट एक्वेरियम कहाँ पे है? तो वह मुंबई में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फाइरिंजियल गिल स्लिट्स आर फाउंड इन। फाइरिंजियल गिल स्लिट्स किस में पाई जाती है? तो यह किसकी खास बात है? कॉर्डाटा की। और इसमें कौन कौन है कॉर्डाटा? ये देखो, कौन कौन कॉर्डाटा है इसमें? कटल फिश, ऑक्टोपस, क्रेब फिश और डॉग फिश। कटल फिश, मोलस्का, ऑक्टोपस, मोलस्का वही है, क्रेब फिश इसमें नहीं आती है, तो बच गया क्या? डॉग फिश। तो फाइरिंजियल गिल स्लिट्स किस में पाई जाती हैं? डॉग फिश में, ठीक है। अगला, एनाड्रोमस फिशेज मूव्स। अब देखो, पूछा जाता है, यह क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, मैंने टीजीटी के एग्जाम में भी देखा था कि एनाड्रोमस फिश किसे कहते हैं, एक कहाँ से कहाँ जाती हैं। तो एनाड्रोमस फिश वे होती हैं जो स्पॉनिंग के लिए, यानी कि अंडे देने के लिए, समुद्र से नदी की तरफ जाती हैं। समुद्र में जहाँ नदियाँ मिली होती हैं ना, तो वहाँ पर समुद्र से नदी की ओर जो फिश जाती है अंडे देने के लिए, उसे एनाड्रोमस फिश कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कार्टिलेजिनस फिश इज, फिशेज डू नॉट हैव। कार्टिलेजिनस फिश में क्या नहीं पाया जाता है? तो देखो, कार्टिलेजिनस फिश क्या होती हैं? जो कॉन्ड्रिकथीज होती हैं उनको क्या कहते हैं? कॉन्ड्रिकथीज फिश को क्या कहते हैं? कार्टिलेजिनस फिश। और इनकी जो पूरी, इनमें बोन नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती? हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। और क्या नहीं पाई जाती? इनकी जो गिल्स होती है ना, जो गिल स्लिट्स होती है, उसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं पाया जाता है। ओपरकुलम क्या होता है? गिल स्लिट्स का ढक्कन होता है, ठीक है। तो यह किसी भी कार्टिलेजिनस फिश में नहीं पाया जाता है। कार्टिलेजिनस फिश जो होती है मोस्टली मैराइन होती हैं, मोस्टली मैराइन होती हैं, ठीक है। आगे, अच्छा, इनकी एक और खास बात है, तो इनका जो एनल कॉडल है ना, जो कॉडल फिन है इनका, वो कुछ ऐसा होता है, यू यू होता है, ठीक है। मतलब कि जो कॉडल फिन है वो कभी भी बराबर नहीं होता। ये क्या हो रहा है? एक छोटा ऊपर का छोटा, नीचे का बड़ा, कुछ ऐसा होता है। आपने भी देखा भी होगा समुद्र वाली मछलियों की जो फोटो वगैरह देखते हो, तो उसमें देखा होगा कि कॉडल फिन क्या है, कभी भी सेम नहीं होती, एक बराबर नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, विच इज वीविपेरस। वीविपेरस कौन है इसमें? तो जो कॉन्ड्रिकथीज होती हैं, उन कॉन्ड्रिकथीज में आती है सार्क, ठीक है। क्या आती है? सार्क। और सार्क क्या है? एक ये वीविपेरस है, मतलब ये अंडे नहीं देती है, या बच्चे पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज द फिश। इसमें से कौन फिश है? तो देखो, जो सी काउ, सी हॉर्स,
सी कुकुम्बर और सी अर्चिन, इनके बारे में जानते हो? सी काऊ, सी कुकुम्बर और सी अर्चिन, ये सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? इकाइनोडर्माटा से। तो इसमें बचा कौन? सी हॉर्स। तो सी हॉर्स क्या हो गया? सी हॉर्स आता है किसमें? यह आ जाता है फिश में, ठीक है। और कैसा फिश है? बोनी फिश है, लेकिन यह ऐसा बोनी फिश है जो कहाँ पर पाया जाता है? समुद्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन बिटवीन सकर फिश एंड सार्क। जो सकर फिश होता है रेमोरा और सार्क, इन दोनों में कैसा रिश्ता होता है? तो इन दोनों में कॉमन सेलिज्म का रिश्ता होता है। कैसा रिश्ता होता है? कॉमन सेलिज्म का रिश्ता होता है इनके बीच में, मतलब एक साथ रहते हैं। अच्छा, जो सकर फिश है ना, यानी रेमोरा जो है ना, वो दिखने में इल जैसी होती है, दिखने में पतली सी लंबी सी इल जैसी होती है, लेकिन जो इसका माउथ होता है ना, वह माउथ ऐसे कुछ सक करने के लिए बना होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होती है, ठीक। तो ये कहीं से भी सक करती है। अगला, लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल कौन सा है? तो देखो, जो डॉग फिश है वो पाई ही जाती है, फ्लाइंग फिश पाई ही जाती है, डोडो है, डोडो इसमें है नहीं। तो ये है सीलोकैंथ। सीलोकैंथ क्या होती है? यह एक मतलब ऑस्टिकथीज है, ऐसे समझो ऑस्टिकथीज है, लेकिन यह लिविंग फॉसिल्स में है, बहुत पुरानी है। और जब ये पाए जाते थे ना, तो 80 किलो इसका वजन काफ़ी ज़्यादा था, 80 किलोज के जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेट इसका था, ठीक। तो यह कौन हो गया? सीलोकैंथ या लैटिमेरिया इसमें आती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेज। जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें जो कि डील करती है फिश के स्टडी से, वह कौन सी है? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में हम क्या करते हैं? फिश का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ वर्टिब्रेट हैविंग इंटायर कार्टिलेजिनस स्केलेटॉन इज। एक ऐसा वर्टिब्रेट जिसमें पूरा ही जो स्केलेटॉन है उस किसका बना है? कार्टिलेजिनस है, तो उसे क्या कहेंगे? तो जो फिशेज होती हैं उसमें जो कॉन्ड्रिकथीज होती हैं, कॉन्ड्री का मतलब होता है कार्टिलेज, तो जो कॉन्ड्रिकथीज फिशेज होती हैं वे सभी क्या होती हैं? वे बनी होती है, उनकी बॉडी कैसे होती है? कार्टिलेजिनस होती है। और उसमें कौन आता है? स्कॉलियोडॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेक्वाइड स्केल्स अकरिंग, प्लेक्वाइड स्केल किस में पाया जाता है? तो प्लेक्वाइड स्केल पाया जाता है कार्टिलेजिनस फिश में। किस में पाया जाता है? कार्टिलेजिनस फिश में। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कॉमन नेम ऑफ एंगोला इज इल। इल को क्या बोलते हैं? एंगोला। अगला, एंडोस्केल्टॉन इज कार्टिलेजिनस इन। एंडोस्केल्टॉन किस में कार्टिलेजिनस होता है? तो देखो, ये जो इलेस्मो ब्रांचेज हैं, इलेस्मो ब्रांचेज में क्या होता है? एंडोस्केल्टॉन कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, डिपनॉय। डिपनॉय क्या होती है? या प्रोटोप्टेरस को कहते हैं, प्रोटोप्टेरस। डिपनॉय का मतलब होता है लंग फिशेज, जो लंग फिश होती हैं ना उनको कहते हैं डिपनॉय। ये याद रखने वाली चीज़ है, डिपनॉय अक्सर ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैंने इसको ऑप्शन में कहीं पर देखा हुआ है डिपनॉय, ठीक है। तो डिपनॉय क्या है? इन लंग फिश है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ऑर्गन अकर्स इन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में पाया जाता है? तो जो रे फिश होती है ना उसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाया जाता है, जैसे कि टारपीडो। अगला, गम्बूशिया इज, गम्बूशिया क्या है? तो देखो, गम्बूशिया क्या होती है कि एक मॉस्किटो को पर प्रीडेटर का काम करती है, तो फिश प्रीडेटर है जो मॉस्किटो की लार्वा को खा जाती है, इसीलिए जो गम्बूशिया है उसको पाला भी जाता है ताकि पानी में जो मॉस्किटो के लार्वा हैं उनको खा सके। अगला क्वेश्चन है, लैटरल लाइन सिस्टम इज प्रेजेंट इन। लैटरल लाइन सिस्टम किस में पाया जाता है? तो फिश की खास बात है कि उसमें लैटरल लाइन पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश, इसमें जो ट्रू फिश कौन सी है? सिल्वर फिश, स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश। तो स्कॉलियोडॉन यानी डॉग फिश यह क्या है? यह एक ट्रू फिश है। अगला क्वेश्चन, फिश विच इरेडिकेट्स मॉस्किटो लार्वा, कौन सी फिश है जो इरेडिकेट करती है, खत्म करती है मॉस्किटो लार्वा को? तो वो है कौन सी? गम्बूशिया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज फेमस फॉर माइग्रेशन, कौन सी ऐसी फिश है जो माइग्रेशन के लिए फेमस है? तो उस फिश का नाम क्या है जो फेमस है माइग्रेशन के लिए? तो उसका नाम है सैल्मॉन। सैल्मॉन काफ़ी फेमस होती है और ये एनाड्रामस होती है। एनाड्रामस का मतलब क्या था?
जो कि समुद्र से और फ्रेश वाटर की ओर यानी कि नदी की ओर जाती है उसे क्या कहेंगे, एना ड्रामस फिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, इसिंग ग्लास इज ऑब्टेंड फ्रॉम, इसिंग ग्लास कहाँ से पाया जाता है। तो इसिंग ग्लास का मतलब है ना कि एयर ब्लैडर में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, एयर ब्लैडर में। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक ऑर्गेन ऑफ फिशेज, इलेक्ट्रिक ऑर्गेन जो होते हैं फिशेज के, हाईली मॉडिफाइड मॉसेज अब या किसके बने होते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक ऑर्गेन होता है ना वह मसल सेल होती है। क्या होती है, मसल सेल होती है। अगला, लंग फिशेज और लंग फिशेज क्या होती हैं। तो देखो, यह लंग फिशेज वे होती हैं जिनमें लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें लंग्स पाए जाते हैं, और ये क्या होती हैं, फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट्स होती हैं। कैसी होती हैं, फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट्स होती हैं। तो इसका मतलब है कि ये क्या हुई, ऑस्टिकथीज में आई। ऑस्टिकथीज यानी कि बोनी फिशेज हैं। ठीक है, और इनको अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले क्या बताया था, डिपनॉय। डिपनॉय जो होती हैं वे क्या होती हैं, लंग फिशेज कहलाती हैं। अच्छा, इनकी खास बात क्या है कि इसका एग्जाम्पल है प्रोटोपटेरस। क्या है, प्रोटोपटेरस। ठीक है, और इनकी खास बात यह है कि जैसे कभी गर्मी का मौसम हो, काफ़ी ज़्यादा जब गर्मी होती है तो ये पाई भी जाती है ना अमेरिका वगैरह में, साउथ अमेरिका की तरफ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो तो ये क्या करती हैं, दलदल में चली जाती हैं। कहाँ चली जाती हैं, दलदल में, और ये एस्टाइवेशन करती हैं, मतलब कि ग्रीष्म निद्रा ले लेती हैं। ठीक है, उस समय ये डॉर्मेंसी के फेज में चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट द डिप्नोएंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, इस समय अगर कहा जाए तो यह डिप्नोएंट्स कहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो ये पाए जाते हैं लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में। डिप्नोए मतलब कि लंग फिशेज कहाँ पाए जाते होंगे, तो यह लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एयर ब्लैडर इन ए फिश डज नॉट हेल्प, एयर ब्लैडर जो होता है फिश में वह किस में हेल्प नहीं करता है। तो एयर ब्लैडर ब्लैडर जो होता है वह मूवमेंट में हेल्प करता है, साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में करता है, लेकिन एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता है। ठीक है,